दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिस पर एक ही समय में 40 किस्म के अलग अलग फ्रूट्स लगते हों? आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा ही स्ट्रेंज प्लांट जिसके ऊपर 40 से अधिक किस्म के अलग अलग फ्रूट्स लगते हैं, और इस ट्री का नाम ट्री ऑफ 40 फ्रूट्स रखा गया है। आपको बता दें, इस फ्रूट की एक अलग से वेबसाइट भी है जिसे treeof40fruit.com के नाम से जाना जाता है, जिस पर इस ट्री से संबंधित अलग अलग अपडेट को समय समय पर पब्लिश किया जाता है। आज की वीडियो में बात करेंगे ट्री ऑफ 40 फ्रूट्स के नाम से फेमस इस पेड़ के बारे में। इस पेड़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसने किया, और कहाँ पर ये ट्री ग्रो कराया गया, और फिलहाल इनकी संख्या पूरी दुनिया में कितनी है, इन सब विषयों पर बात के साथ साथ हम जानेंगे कैसे इस प्रकार के इनोवेटिव ट्री को डेवलप करके भारत जैसे देश में भी काफ़ी इकोनॉमिकली कंडीशन को सुधार किया जा सकता है, और कैसे हमारे देश के फार्मर इस प्रकार की टेक्निक्स का लाभ उठाकर अपने बागानों को ज़्यादा अधिक मुनाफेदार बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पौधे से जुड़ी हुई छोटी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री के साथ। ट्री ऑफ 40 फ्रूट्स का जो पहला डेवलपमेंट था वो यूनिवर्सिटी ऑफ सायराकोज में प्रोफेसर सैम वॉन एकिन ने किया था। आपको ये जानकर फिर से हैरानी होगी कि प्रोफेसर सैम वॉन एकिन कोई साइंटिस्ट या बोटनिस्ट नहीं थे, ही इज़ एक्चुअली एन आर्टिस्ट। ये स्कल्पचर और आर्ट के डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं। हालांकि इनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर और फार्मिंग से जुड़ा रहा है, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एडमिट किया है, अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने माना है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड फार्मर से बिलोंग होने के कारण इन्हें पेड़ पौधों में रुचि थी। हालांकि ट्री ऑफ 40 फ्रूट्स का डेवलपमेंट एक्सीडेंटली हुआ है, क्योंकि ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट बनाना चाहते थे जिस पर अलग अलग किस्म के फ्लावर्स आएँ और उसे ये प्रदर्शनी में शो कर सकें। हालांकि इन फ्लावर्स की प्रूनिंग और डेवलपिंग करते समय, ग्राफ्टिंग करते समय, इन्हें एक अलग किस्म का पेड़ डेवलप कर दिया गया जिसे ट्री ऑफ 40 फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है, जिस पर अलग अलग किस्म के फ्रूट्स के साथ अलग अलग प्रकार के फल भी इन्हें मिलने लगे। इसके बाद इन्होंने लगभग 230 ग्राफ्टिंग करके इस पौधे को लगातार डेवलप किया, और लगभग 10 से 15 साल में इन्होंने, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट फेल भी हुए और कुछ सक्सेसफुल हुए, और लगभग 40 ग्राफ्टिंग कर पाने में ये सक्सेसफुल हुए, और एक ही पौधे के ऊपर ये 40 किस्म के अलग अलग फलों को उगाने में कामयाब हुए। इसके बाद इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट की हेल्प से और न्यूयॉर्क गवर्नमेंट के फर्दर सपोर्ट से इन्होंने लगभग 16 पौधे और ऐसे ही तैयार किए हैं, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग बागानों में और पब्लिक गार्डन्स में विजिटर्स के लिए लगाया गया है। हालांकि इस प्रकार के पौधों को कुछ स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है, बट नॉट इन ऑलवेज। तो इस प्रकार के पौधों को डेवलप करके जहां एक तरफ विजिटर्स और पब्लिक गार्डन्स में एज अ इन्हें ऑर्नामेंट यूज़ किया जाता है, वहीं इस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करके बागबानी आदि जैसे क्षेत्रों में भी आमदनी के काफ़ी सोर्सेज खोले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस पौधे के बोटानिकल फीचर की बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये 4 से 6 मीटर लंबा होता है। ये बोटानिकली इसका जीनस प्रूनस है, यानी कि बादाम, एप्पल, नाशपाती की फैमिली से ये बिलोंग करता है, और इसे लगभग एप्रिकोट, चेरी, नेक्टरीन, पीच, प्लम, आलमंड जैसे ट्री की ग्राफ्टिंग कर करके इसे डेवलप किया गया है। यानी कि इन्हीं सभी प्रकार के फ्रूट्स इसके ऊपर लगते हैं, और ये प्रूनस जीनस से बिलोंग करता है। इसके ऊपर प्रूनस जीनस के 40 से अधिक किस्म के फ्रूट लगते हैं। अगर फ्रूट के सीज़न की बात करें, फ्रूटिंग सीज़न की बात करें, तो जुलाई से अक्टूबर तक इसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं। इस पेड़ के डेवलपमेंट के लिए सैम वॉन एकिन को कई प्रकार के अवार्ड से नवाजा जा चुका है, और सैम वॉन एकिन इस पेड़ से जुड़े हुए और अधिक अनुसंधानों में अभी बिजी हैं। शायद वो और भी कुछ अच्छे ट्री आने वाले फ्यूचर में दुनिया के सामने रख पाएँ। दोस्तों, हमारे देश में भी इस प्रकार
प्रकार के छोटे छोटे इनोवेशन की आवश्यकता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी एनरिच कर सकते हैं। हमारे देश की ग्रोथ में और हमारे देश का पेट भरने में आज भी किसानों का बहुत बड़ा रोल है। देश की जीडीपी जहां अभी भी एग्रीकल्चर पर काफी डिपेंड है, वहीं हमारे देश में किसानों की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस प्रकार के छोटे इनोवेशन से जिनमें कम स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और कम लागत की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रकार की स्किल्स को यूज करके हमारे देश के फार्मर कई प्रकार के लाभ उठा सकते हैं, जगह संबंधी समस्याओं से भी लाभ उठा सकते हैं, कम क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बस ज़रूरत है तो मैनेजमेंट की। इसके अलावा हमारे देश में काफ़ी ज्ञान और सुविधा काफ़ी हैं। ग्राफ्टिंग जैसी टेक्निक इंडिया में भी काफ़ी स्तर पर यूज़ होती हैं, हालांकि ये अंगूर और आम की खेती तक सीमित हैं। आम के पौधों पर ज़्यादातर कलम चढ़ाने का काम किया जाता है, ग्राफ्टिंग को कलम चढ़ाना भी बोलते हैं। हालांकि हमारे देश में ऐसे एक्सपेरिमेंट सीमित हैं, हमें इन्हें और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव होना पड़ेगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।